वहीं आपको बता दें कि कैथल की मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा दौरा किया गया है और यहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में जाना है और बातचीत करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को बर्बाद फसल का मुआवजा जल्द ही सरकार देगी। उन्होंने मंडी में शेड लगवाने के आदेश भी इस दौरान जारी किए। कैथल मंडी का दौरा किया और हमारी बड़ी मंडियों में से एक है और कैथल शहर में ही 3 मंडियां हैं, तो गेहूं की अराइवल का आकलन लिया। हमारे अधिकारी बैठे हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडी के हैं और यहां पर अराइवल जो है बहुत अच्छी है। लगभग 56,60,000 बोरियां आ चुकी हैं यहाँ क्विंटल की, और पिछले साल से इस दिन में 40,00,000 आई थी, तो ज्यादा अराइवल है। फसल इस बार लगता है कि पहले से ज्यादा आएगी और इस मंडी में लिफ्टिंग का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लगभग 43% का लिफ्टिंग हो चुकी है। फिर भी मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को इनको कि लिफ्टिंग को बढ़ाएं, क्योंकि बेमौसमी बारिश से डर रहता है कि फसल भीग ना जाए। कल भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आ रही थी, हालांकि मैंने चेक किया है वो ज्यादा दुखी हुई फसल नहीं है। हमारा इस बार जो परचेज चल रही है पहले से अच्छी है। जो दाना है खराब था उसकी परमिशन मैंने भारत सरकार को दी, राष्ट्रीय उसकी किसान को कोई पैसा नहीं काटा जाए।